शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोवर्धन पर्वत, आपसे ही तो ब्रिजवासियों को फल फूल प्राप्त होते हैं। आप तो ब्रज मंडल के लिए जीवनदायी हैं। फिर आप ब्रिजवासियों के लिए, मेरी मैया के लिए संकट कैसे बने गोवर्धन पर्वत? क्योंकि मैं विवश था प्रभु। ऐसा कौन सा कारण था गोवर्धन पर्वत जिसने आपको दूसरों का अहित करने के लिए विवश कर दिया? मुझे श्राप मिला है कि प्रतिदिन तिल तिल कर मैं घटता जाऊंगा, पर एक दिन मेरा संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस श्राप से केवल आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं प्रभु। इसीलिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं ये सब कर्म कर रहा था। गोवर्धन पर्वत, पर आप मेरी मैया पर संकट बने मेरा ध्यान आकर्षित करने का ये कोई उचित मार्ग तो नहीं है? इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। अपने दुख और कष्ट में मैं उचित अनुचित का भेद भूल गया था। क्रोध ने मेरा विवेक हर लिया था प्रभु, परंतु अब मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा प्रभु। गोवर्धन पर्वत, सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या श्राप है और वो श्राप आपको किस प्रकार मिला? ये घटना त्रेता युग की है प्रभु। जब राम सेतु का निर्माण कार्य हो रहा था तब महाबली हनुमान मुझे उठाकर राम काज के लिए लेकर जा रहे थे। मेरा जीवन धन्य होने जा रहा था प्रभु, क्योंकि मैं राम काज में काम आने वाला था। फिर आप यहाँ इस ब्रज मंडल में कैसे वास करने लगे गोवर्धन पर्वत? प्रभु, इससे पहले कि महाबली हनुमान मुझे लेकर समुद्र तट तक पहुंचते, उन्हें सूचना मिली कि राम सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है और हनुमान जी ने मुझे यह ब्रज मंडल में स्थापित कर दिया। ये तो आपके साथ उचित नहीं हुआ गोवर्धन पर्वत, क्योंकि आपने अपना स्थान भी छोड़ा और आप राम काज भी नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ गोवर्धन पर्वत? यही बात मैंने हनुमान जी से कही और तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि द्वापर आने पर जब आपका अवतार होगा तब आप गोवर्धन पर्वत अर्थात उस पर ही अपनी लीलाएं करेंगे। प्रभु, यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि आपका सानिध्य पाने से बढ़कर सौभाग्य किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। और त्रेता काल से ही मैं आपकी भक्ति करते हुए आपके अवतार लेने की प्रतीक्षा करता रहा। इसका अर्थ है कि आप धर्म के मार्ग पर थे। फिर आपको श्राप कैसे मिला? प्रभु, एक दिन की बात है जब मैं आपकी भक्ति में लीन था। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन पर्वतराज। ऐसी भी क्या भक्ति कि ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त के आगमन का आभास भी नहीं हुआ आपको? क्षमा करें ऋषिवर, भक्ति में लीन होने के कारण मैं आपको देख नहीं सका। द्रोणांचल पुत्र गोवर्धन पर्वत का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। पर्वतराज, तुम पर असंख्य वनस्पतियों का वास है, तुम सदैव फल फूल औषधियों से हरे भरे होते हो, किंतु तुम इस ब्रजमंडल में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो वहां होना चाहिए जहां पर भक्तों का वास हो। इसलिए
तुम मेरे साथ काशी चलो। ऋषिवर, आज भले ही ब्रजमंडल में भक्तों का वास ना हो, परंतु आने वाले समय में स्वयं नारायण का श्री कृष्ण अवतार यहाँ पर होने वाला है। वो मेरी इस पर्वत भूमि पर लीलाएं करने वाले हैं, तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ऋषिवर। और उसके पश्चात मुझे अपने प्रभु की ही नहीं, उनके भक्तों की भी सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा। मूर्ख गोवर्धन, तुमने मेरा अपमान करने का अपराध किया है। बिना गुरु कृपा के ना ही भगवान मिलते हैं और ना ही ज्ञान मिलता है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ काशी चलो। ऋषिवर, आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं धन्य हुआ, परंतु आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं तो यहां पर अपने प्रभु की प्रतीक्षा में हूं, उनकी लीलाओं की प्रतीक्षा में हूं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरा अपमान करो, मेरे तपोवल से तो सहस अर्जुन भी नहीं बच सका, तो तुम क्या बचोगे? यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगे, तुम्हें अपनी योग शक्ति से काशी ले जाऊंगा। पर्वतराज, ऋषि पुलस्त्य के क्रोध से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मैया कहती है कि उनके क्रोध के कारण ही विभीषण को छोड़कर संपूर्ण रावणकुल का विनाश हो गया था, परंतु उनके तपोबल का सामना संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, ऋषि पुलस्त्य के तपोबल से बचना मेरे लिए कदापि संभव नहीं था। वर्धन, मेरी आज्ञा का पालन ना करके अपनी ही हानि की है तुमने। अब काशी में तुम पर कोई फल नहीं उगेंगे, अब तू चिता जलेगी चिता। मैं पर्वत रास्ते तुम्हें शमशान भूमि बना दूंगा। हे महाबली हनुमान, आपने जो मुझे वचन दिया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, ऋषि पुलस्त आपके उस वरदान से मुझे वंचित कर देना चाहते हैं। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु, अपने उस वरदान की रक्षा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो कुल जागर, राम तुम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन सियाए, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए, बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत ही सब भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान, जय हनुमान। तो स्वयं रामदूत हनुमान ने आपकी सहायता की, फिर आपको श्राप कैसे मिला? प्रभु, हनुमान जी ने मेरी रक्षा तो कर ली,
परंतु अपने तपोबल में असफल होने के कारण ऋषि पुलस्त्य और भी क्रोधित हो उठे और उसी क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि गोवर्धन, भले ही तुम पर देव कृपा हुई हो किंतु तुमने एक ऋषि के तपोबल का अपमान किया है, एक ऋषि की अवज्ञा की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा प्रतिदिन तिल के समान क्षरण होगा। और तिल तिल मिटते हुए किसी प्रकार एक दिन तुम्हारा समूल अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कैसा बंदरा! और प्रभु, उसी श्राप के कारण मेरा अस्तित्व समाप्त होते जा रहा, मेरी वनस्पतियां झुलसती जा रही है, मेरा अस्तित्व मिटता जा रहा है। प्रभु, दुख और क्रोध मैंने मैया यशोदा के साथ जो अनर्थ किया उसे वापस लेता हूं, वो अभी और इसी क्षण मेरी पाषाण शक्ति से मुक्त हो जाएगी। प्रभु, सुमन कान्हा अब तक नहीं लौटा, लगता है उसे यशोदा के संकट को दूर करने का मार्ग अब तक नहीं मिला, इसलिए मुझे ही जाना होगा, मुझे ढूंढना होगा उस पाषाण असुर को। तब तक नंदरानी का ध्यान रखना तुम लोग। नंजी, यशोदा, तुम ठीक हो गई यशोदा? मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी नंदरानी को सदा सदा के लिए खो दिया। नंजी, पर मुझे हुआ क्या था? उस पाषाण असुर ने तुम्हें पाषाण का बना दिया था यशोदा, और कान्हा के कर्म और नारायण की कृपा से तुम एकदम ठीक हो गई। नंजी, पर कान्हा, कान्हा कहाँ है? उसने तो भोजन भी नहीं किया, मैं उसी के लिए तो माखन निकाल रही थी। यशोदा, अब सब संकट समाप्त हो गया, कान्हा अभी आता ही होगा। यही मेरा अपराध था, यही मेरे शापित जीवन की कथा थी। अब मैंने आपसे अपने मन की व्यथा कह दी है प्रभु, अब आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। पर्वतराज, आपने अभी तक जो भी कार्य किया है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो मेरी लीलाओं में सौभागी बनने के लिए हिमालय से यहाँ तक आए, मेरे दर्शन के लिए आपने ऋषि पुलस्त्य के साथ काशी जाने से मना किया और उनके श्राप के भागी बने, आपके कारण संपूर्ण ब्रजमंडल को फल फूल और औषधि प्राप्त होती है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ पर्वतराज। इसलिए आप मेरे अपराधी नहीं, अभी तो मैं आपका ऋणी हूँ। आपके ये मधुर वचन सुनकर मेरे सारे दुख सभी कष्ट समाप्त हो गए। पर्वतराज, पर मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि समय आने पर मैं आपका उद्धार करूँगा, समय आने पर आप मेरी लीलाओं के साक्षी बनेंगे, सहभागी बनेंगे और आपको सदैव मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। प्रभु, मैं धन्य हुआ, चाहे ऋषि पुलस्त्य के श्राप से मैं खंडित ही क्यों ना हो जाऊं, मेरा अस्तित्व समाप्त ही क्यों ना हो जाए प्रभु, पर आपका यह आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु,
धन्य हैं आप और धन्य हैं आपकी लीलाएं। आपका ये कृष्ण अवतार संसार में इसलिए तो हुआ कि आप अपने भक्तों के युगों की प्रतीक्षा का फल दे सके। राम अवतार के समय आपके भक्तों की जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी उन्हें पूर्ण कर सके, जिनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ था उनका कल्याण कर सके, इसलिए आपका ये कृष्ण अवतार 16 कालों वाला पूर्ण अवतार है। क्योंकि आपके इसी कृष्ण अवतार में समस्त सृष्टि का कल्याण होना है। आज जैसे आपने गोवर्धन पर्वत को वरदान देकर उनके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होने वाला है। आज वैसे ही आपकी लीलाओं से इस संपूर्ण जगत धन्य होने वाला है। अब तो मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है, उस लीला की प्रतीक्षा है, जिससे संसार में आपका गोविंद नाम विख्यात होने वाला है। क्योंकि गोविंद अर्थात सबकी चिंताओं को हरने वाले, गोविंद अर्थात सबके कष्टों को, सबके जीवन के संकटों का समाधान करने वाले। कान्हा अब तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया हो। नंद जी, आपको कान्हा को बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था, परंतु आपको कौन समझाए। तुम तो जानती हो ना यशोदा कान्हा को, कि कान्हा एक बार जो निर्णय कर लेता है फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मुझे पता लगाना ही होगा कि कहाँ गया मेरा लल्ला। तुम कहाँ चले गए थे लल्ला, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पर आपको स्वस्थ देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। कान्हा, मैं कह देती हूँ आगे से ऐसा कभी मत करना, चाहे मुझ पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, पर तुम अपना जीवन संकट में कभी मत डालना, समझे। पर मैया, अब मैं आप पर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा। कभी कभी तो लगता है कि मैं तेरी मैया नहीं, तू मेरी मैया है। कान्हा, पर तुम्हें ज्ञात हुआ कि वो असुर पाषाण की वर्षा क्यों कर रहा था। बाबा, वो कोई असुर नहीं, अभी तो वो गोवर्धन पर्वत थे। गोवर्धन पर्वत, वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हीं से तो हमें फल फूल औषधियां प्राप्त होती हैं, फिर वो हमारे लिए संकट क्यों बनेंगे। वो इसलिए बाबा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से हमें अपने जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। वो हमारा ध्यान रखते है, हम उनका ध्यान नहीं रखते, बस इसलिए वो हमारा ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहती थी। पर कान्हा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत पुनः हमारे लिए कोई संकट बन सकता है। नहीं काका, अब उनका क्रोध शांत हो गया है, अब वो हम सब पर प्रसन्न है। पर मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ कान्हा, तुम मुझसे पूछे बिना गए कैसे गोवर्धन पर्वत। पर मैया, मैं तो बाबा कर बता कर गया था। इसलिए तो तुम सब कुछ अपने बाबा को बता कर करते हो, क्योंकि ये तुम्हें कुछ भी करने से रोकते नहीं है ना। तो मैया, आप भी बाबा की तरह क्यों नहीं करती। यदि आप भी मुझे ना रोके ना टोके तो मेरे जीवन में कितना आनंद होगा। अच्छा, तो तुम्हारी मैया ही अब तुम्हारे जीवन के आनंद की सबसे बड़ी बाधा है। अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको। अरे अरे यशोदा, तुम मैया के इस मीठे प्रेम से मुझे महादेव भी नहीं बचा सकते। लल्ला, लल्ला कहाँ जा रही हो तुम, लल्ला रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ, देखो बहुत नटखट हो गए हो तुम। लल्ला, लल्ला रुको, लल्ला मैंने कहा ना रुक जाओ। नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समात्राण, नास्ति मात्र समाप्रपा। अर्थात माता के समान न इस संसार में कोई छाया, ना कोई आश्रय है, ना ही कोई सुरक्षा है। इसलिए तीनों लोकों में, सभी संबंधों में, प्रेम के हर रूप में माता का प्रेम सर्वोत्तम। और प्रभु, आपको तो आपके हर अवतार में माताओं का विशेष और दुर्लभ प्रेम प्राप्त हुआ है, चाहे राम अवतार में,
माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा का प्रेम हो या कृष्ण अवतार में माता यशोदा का प्रेम। लल्ला, मैं तेरे आनंद की बाधा हूँ ना, अभी दूर कर दी हूँ मैं तेरी बाधा। पापा बचाओ, बचाओ। अरे अब जाने भी दो यशोदा। आप तो चुप ही रहिए, आपके इसी प्रेम ने इसे बड़बोला बना दिया है और आज तो उसका दंड मैं इसे देकर ही रहूंगी। कान्हा बाहर आओ। ठीक है मैया, आप जीती मैं हारा, लो आपको मुझे दंड देना था ना, तो ये लीजिए, दे दीजिए अपने लल्ला को दंड। यदि किसी ने भी परम आवश्यक पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। जिस इंद्रदेव की पूरे विधि विधान से इंद्र उत्सव मनाते आ रहे हैं, वो इंद्रदेव हमारी भक्ति हमारी पूजा के अधिकारी है ही नहीं। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।